नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, आज हम मौजूद हैं नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत और किसानों की समस्याओं को लेकर हम तमाम मुद्दे आपके बीच जाहिर करते रहते हैं। और भारतीय किसान परिषद जो काफी समय से 10% भूखंड के लिए अपने आप में कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद में लगा हुआ है, और प्राधिकरण कहीं ना कहीं इस विषय को ये कह सकते हैं कि काफी समय प्राधिकरण के द्वारा ले लिया गया। हमारे साथ सुबीर खलीफा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 न्यूज में। किस तरीके से प्राधिकरण के विचार हैं इस विषय में, आप क्या प्राधिकरण की तरफ से जवाब आ रहा है, और आपकी मतलब क्या लगता है अब किस चरम पर स्थितियां पहुंच चुकी हैं? देखो, भारतीय किसान परिषद ने सच के साथ लड़ाई लड़ी है। 2019 से तो लगातार लड़ाई लड़ रही है, तो उसमें धीरे धीरे ही सही हम सारे मुद्दों को बोर्ड तक ले आए हैं। बोर्ड में सारे मुद्दे पास हो गए हैं, और बोर्ड में पास होने के बाद शासन को चले गए कुछ मुद्दे, तो हम ये कहते हैं भैया अब आप इन सारे मुद्दों को जमीन पे उतार दो। जमीन पे उतारने वाली बात है, जब तक हमारे मुद्दे जमीन पर नहीं आएंगे, आम आदमी को उन्हें अपना हक नहीं मिलेगा, तो हम तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर 81 गांव अपनी इसी बात को लेकर, हमारी कोई नाक का सवाल नहीं है, हमारे कोई हमारे मन में कोई राजनीति वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समाधान हो जाए, जो हमारे करार थे वो हमारा समाधान हो जाओ, बस इतनी सी बात। इस विषय को लेकर सीईओ नोएडा से कोई बातचीत हुई है? सीईओ से नहीं, एसीओ साहब से हुई है। अभी आज हमारी अभी थोड़ी देर पीछे सीईओ से मीटिंग है, और देखते हैं ये कहां तक पहुंचते हैं। निस्तारण कराने में हम पूरा जोर लगाएंगे जी। उनकी कुछ बहकाने की नीतियां होती हैं उस तरह से कि भाई कैसे टाल दिया जाए, कैसे टैकल किया जाए आम आदमी को, होता है। उनका अपने रूट हो गए हैं, मानवता तो इनकी सबकी खोख हो चुकी है, फिर भी हम अपने मूल के लिए निश्चित तौर पर यहाँ खड़े रहेंगे तब तक जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर 10 न्यूज से बातचीत करने के लिए। जैसी भी अपडेट्स होंगी भारतीय किसान परिषद के द्वारा, नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा।